हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजत खंडेलवाल फ्रॉम 4D एजुकेशन हब भिलाई। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलॉजिज्म के न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें ओनली अ फ्यू टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे ओनली अ फ्यू टेबल्स आर चेयर्स। इस टाइप के स्टेटमेंट्स अभी रिसेंटली एग्जाम्स में आ रहे हैं, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे किस तरीके से डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ किया जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप लोग सिलॉजिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सिलॉजिज्म के कुछ वीडियोज़ हमने पहले भी बनाए हैं, उन वीडियोज़ में हमने बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक थ्योरी डिस्कस की है, वो सारे वीडियोज़ आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक्स में नहीं जाएंगे। इसमें मैं सीधा ओनली अ फ्यू टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है उस पर जाऊंगा। तो बेसिक डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, स्टेटमेंट्स को कैसे कंक्लूजन को चेक करना है स्टेटमेंट्स पढ़ के, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिक्स की चीज़ें हैं। ये ऑलरेडी हमने वीडियो बना चुका है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल में बेसिक्स में नहीं जाके सीधा ओनली अ फ्यू टाइप क्वेश्चंस को कैसे डील करना है उस पर जाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तीन टाइप के सिमिलर स्टेटमेंट्स आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को जनरली कन्फ्यूजन होता है। इसमें एक आता है सम, एक आता है ओनली अ फ्यू, और एक आता है ओनली। सम टेबल्स आर चेयर्स, ओनली अ फ्यू टेबल्स आर चेयर्स, एंड ओनली टेबल्स आर चेयर्स। इसमें क्या डिफरेंस है, पहले छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझते हैं और फिर उसके बाद डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लो एक क्लास है, उसमें 5 स्टूडेंट्स हैं, 3 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज हैं। अब अगर पहला वैरायटी देखते हैं सम वाला, अगर दिया हुआ है सम स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, तो देखो सम स्टूडेंट्स में इसमें वेरीफाई नहीं किया, मतलब इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि बॉयज है कि गर्ल्स है। तो सम स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट भी हो सकता है, 2 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स भी हो सकते हैं, या ऑल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो सम में ऑल भी आ जाता है, तो सम में 1 से लेके 5 तक कुछ भी आ सकता है, 1 स्टूडेंट भी आ सकता है और 5 स्टूडेंट भी आ सकते हैं, ठीक है। सम स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट अगर दिया हुआ है तो। यही अगर ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट या ओनली 2 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, ऐसा नंबर स्पेसिफाई है, या ओनली अ फ्यू स्टूडेंट। अब ओनली अ फ्यू दे दिया गया है, इसका मतलब अगर हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके बताऊं, सिर्फ कुछ बच्चे ही क्रिकेट खेलते हैं, मतलब सारे बच्चे नहीं खेलेंगे। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट मतलब कुछ बच्चे ही क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब इसमें ऑल नहीं आ सकता, सारे बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो इसमें 1 से लेके 4 तक एक बच्चा भी खेल सकता है, 4 बच्चे भी खेल सकते हैं, बट 5 बच्चे खेलें ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, 5 बच्चे नहीं खेल सकते, ठीक है। वही अगर नंबर स्पेसिफाई कर दिया जाए ओनली 2, तो उसमें फिर 2 ही रहेंगे। अब उसमें 2 बॉयज भी हो सकते हैं, 2 गर्ल्स भी हो सकती है, या बॉयज गर्ल्स ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू देने का मतलब ये होता है, इसमें ऑल इंक्लूड नहीं होता है। इसी में अगर तीसरा केस ऐसा दे दिया जाए ओनली बॉयज प्ले क्रिकेट, तो अब स्पेसिफाई कर दिया है सिर्फ बॉयज ही क्रिकेट खेलेंगे, तो यहाँ पे बॉयज ही क्रिकेट खेलेंगे, गर्ल्स क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है, सिर्फ बॉयज क्रिकेट खेलेंगे। तो ये डिफरेंस होता है सम, ओनली अ फ्यू एंड ओनली में। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर सम टेबल्स आर चेयर्स दिया हुआ है स्टेटमेंट क्वेश्चन में, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, सम टेबल्स, टेबल का एक सर्कल बनाएंगे या चेयर्स। अब जैसे मैंने बताया सम टेबल्स में ऑल वाला केस भी आता है, तो सम टेबल्स आर चेयर्स में आप ऑल चेयर्स आर टेबल भी बना सकते हो इस तरीके से, या ऑल टेबल्स आर चेयर्स भी बना सकते हो आप इस तरीके से। टेबल अंदर चेयर बाहर, चेयर अंदर टेबल बाहर, दोनों हो सकता है सम टेबल्स आर चेयर्स में। बट यही अगर दे दिया जाए ओनली अ फ्यू टेबल्स आर चेयर्स, इसका मतलब सिर्फ कुछ टेबल्स ही चेयर्स हैं, तो सिर्फ कुछ टेबल्स ही चेयर्स हैं ऐसा भी बन सकता है, सिर्फ कुछ टेबल्स से चेयर्स हैं ऐसा भी बन सकता है। क्या नहीं बन सकता है, थर्ड वाला जो केस है वो नहीं बनेगा, ये वाला जो केस है थर्ड वाला वो नहीं बनेगा, टेबल्स अंदर नहीं आ सकती इसमें चेयर्स के, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू टेबल्स आर चेयर्स मतलब कुछ ऐसी टेबल्स होनी चाहिए जो चेयर्स नहीं भी हैं, जैसे ये बाहर जो टेबल्स हैं वो चेयर्स नहीं है, ठीक है।
अब ओनली टेबल्स और चेयर्स दे दिया जाए, इसमें क्या फर्क है? ओनली टेबल्स और चेयर्स में डायग्राम तो हम ऐसे और ऐसे बना सकते हैं, फर्क ये है कि यहाँ पे सिर्फ टेबल्स ही चेयर्स है, मतलब चेयर्स के साथ कोई और सर्कल नहीं जुड़ सकता, चेयर के साथ कोई और सर्कल टच नहीं हो सकता। यहाँ पे चेयर के साथ कोई और सर्कल भी टच हो सकता है, बट यहाँ पे चेयर के साथ कोई और सर्कल टच नहीं हो सकता, ठीक है? तो ओनली वाले पे अभी हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी जो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग ओनली अ फ्यू वाले करेंगे, तो अभी इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है? तो ओनली अ फ्यू मैंने जैसे बताया, ओनली अ फ्यू टेबल्स आर चेयर्स, मतलब ऐसे डायग्राम बन सकता है या टेबल बाहर चेयर अंदर ऐसा बन सकता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं, उससे थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कंक्लूजन दिए हुए हैं। आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आता है आप लोग पॉज कीजिए वीडियो को, एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ठीक है? तो उससे आपको समझ में आएगा कि आपकी अप्रोच में कहाँ गलती है या आपका अप्रोच सही है, तो वो अच्छी बात है। तो आप जस्ट एक बार वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, डायरेक्टली सॉल्यूशन मत देखिए। तो सॉल्यूशन ये होगा, ऑल रीबॉक आर नाइक, ऑल रीबॉक आर नाइक, सम नाइक आर प्यूमा, सम नाइक आर प्यूमा, ओनली अ फ्यू प्यूमा आर टाइटन। अब यहां पे देखो दिया हुआ है ओनली अ फ्यू प्यूमा आर टाइटन, सिर्फ कुछ प्यूमा ही टाइटन है, सारे प्यूमा टाइटन नहीं हो सकते। तो टाइटन ऐसे भी आ सकता है या टाइटन इसके अंदर भी आ सकता है। अब इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, टाइटन इस तरफ भी आ सकता है, टाइटन इससे टच भी हो सकता है, इससे भी टच हो सकता है, ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। आप एक बेसिक डायग्राम बना लो, उसके बाद कंक्लूजन के हिसाब से पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी, क्या होगा वो चेक करेंगे, ठीक है? कंक्लूजन के हिसाब से सोचना है। अब पहला कंक्लूजन है, सम टाइटन कैन नेवर बी रीबॉक। अब देखो अब यहाँ पे आपको आना चाहिए सम टाइटन आर कैन नेवर बी रीबॉक का मतलब होता है सम टाइटन आर नॉट रीबॉक। अब ये आर नॉट वाले स्टेटमेंट्स को कैसे चेक करते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पहले वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो आर नॉट वाला कंफ्यूजन जब भी आता है हम उसको देखते हैं उल्टा, ऑल टाइटन्स कैन बी रीबॉक, ये हम चेक करेंगे। अगर सारे टाइटन रीबॉक के अंदर आ सकते हैं, ऑल वाला केस ट्रू हो गया तो आर नॉट वाला केस फॉल्स हो जाएगा, और ऑल वाला फॉल्स हो गया तो आर नॉट वाला ट्रू हो जाएगा, ठीक है? तो जब भी आर नॉट वाला केस आता है उसको तुरंत ऑल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑल वाली पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, ऑल का उल्टा आर नॉट होता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, सम टाइटन्स कैन नेवर बी रीबॉक का उल्टा होगा, ऑल टाइटन्स कैन बी रीबॉक। अब हमको देखना है सारे टाइटन रीबॉक के अंदर आ सकते हैं क्या, तो देखो एक डायग्राम मैं बना के बताता हूँ। ऑल रीबॉक आर नाइकी, सम नाइकी आर प्यूमा। अब सम नाइकी आर प्यूमा को आप ऐसे भी तो बना सकते हो, सम नाइकी आर प्यूमा, फिर ओनली अ फ्यू प्यूमा आर टाइटन, तो ओनली अ फ्यू प्यूमा आर टाइटन, आप टाइटन को ऐसे भी बना सकते हो। तो देखो टाइटन रीबॉक के अंदर आ गया तो ऑल टाइटन कैन बी रीबॉक ट्रू हो गया, ऑल वाला केस ट्रू हो गया तो आर नॉट वाला केस फॉल्स हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया। सेकेंड था ऑल प्यूमा कैन बी टाइटन। अब हमको देखना है प्यूमा के चारों ओर टाइटन आ सकता है क्या, तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे दिया है ओनली अ फ्यू प्यूमा टाइटन, मतलब कुछ ही प्यूमा टाइटन होंगे, सारे प्यूमा टाइटन नहीं हो सकते, तो ऑल प्यूमा कैन बी टाइटन फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों फॉल्स हो गए तो हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, नाइदर वन नॉर टू, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन, सम क्लॉक आर टाइम, सम क्लॉक आर टाइम, ओनली अ फ्यू टाइम आर वॉच। अब अगेन ओनली अ फ्यू टाइम आर वॉच, वॉच अलग से भी बन सकता है या वॉच इसके अंदर भी बन सकता है। नो वॉच इज क्लॉक, नो वॉच इज क्लॉक। अब यहाँ पे आपको समझना है ये वॉच जो क्लॉक के साथ बनाए थे ये नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ये क्लॉक है, यहाँ पे दिया हुआ है नो वॉच इज क्लॉक, मतलब वॉच जो है वो क्लॉक से टच नहीं हो सकती है। तो ये वाला जो वॉच को क्लॉक के साथ बनाए ये ऐसा नहीं बना सकते हैं, वॉच क्लॉक से टच नहीं हो सकती है, लेकिन वॉच
ऐसे बन सकती है बिना क्लॉक से टच हुए, तो जो जो टच नहीं हो सकते उसमें एक छोटा ऐसे मैं लाइन बना लेता हूँ, इससे मुझे पता चल जाता है कि क्लॉक और वॉच को टच नहीं कर सकते, नो वाला केस है। ठीक है, अब पहला कंक्लूजन, ऑल वॉच बीइंग टाइम इज अ पॉसिबिलिटी, सारे वॉच टाइम हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, पहले में ही हो रहे हैं। ठीक है, तो सारे वॉच टाइम के अंदर आ सकते हैं। ऑल टाइम आर क्लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, अब सारे टाइम क्लॉक के अंदर आ सकते हैं कि नहीं देखना है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। सम क्लॉक और टाइम बना के देखते हैं, सम क्लॉक आर टाइम ऐसे भी बना सकते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था सम में ऑल वाला केस भी आ सकता है, ऐसे तो बन गया। फिर ओनली अ फ्यू टाइम आर वॉच, अब ओनली अ फ्यू टाइम आर वॉच, तो टाइम के साथ वॉच को टच करना पड़ेगा, लेकिन टाइम के साथ वॉच को टच करेंगे तो वॉच किसके साथ टच हो जा रहा है, क्लॉक के साथ टच हो जा रहा है, इसका मतलब टाइम वॉच और क्लॉक तो टच नहीं हो सकता है, तो वॉच और क्लॉक अगर टच नहीं हो सकता है इसका मतलब टाइम जो है वो क्लॉक के अंदर नहीं आ सकता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। ठीक है, नेक्स्ट, फ्यू ब्रो आर फ्रेंड, फ्यू ब्रो आर फ्रेंड, ओनली अ फ्यू वाइफ इज सन, अब देखो वाइफ और सन दोनों अभी तक शुरू में तो नहीं दिया हुआ है, वाइफ भी नहीं है सन भी नहीं है, तो फर्स्ट के बाद थर्ड वाले पे आ जाते हैं, नो सन इज फ्रेंड, तो फ्रेंड के साथ सन का नो वाला रिलेशन है, तो सन को अलग से बना सकते हैं। फिर ओनली अ फ्यू वाइफ इज सन, सिर्फ कुछ ही वाइफ सन है, तो वाइफ ऐसे भी बन सकता है या वाइफ सन के चारों ओर भी बन सकती है, ओनली अ फ्यू वाइफ आर सन, कुछ ही वाइफ सन है, तो वाइफ सन के चारों ओर भी बन सकती है। फिर अब क्वेश्चन देखते हैं, सम वाइफ बीइंग फ्रेंड इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखो वाइफ जो है वो सन के चारों ओर होगी, तो वाइफ फ्रेंड से भी तो टच हो सकती है, सन और फ्रेंड को टच नहीं करना है, वाइफ जो है वो फ्रेंड से टच हो सकती है, तो ये सही है। ऑल ब्रो बीइंग फ्रेंड इज अ पॉसिबिलिटी, अब देखो फ्यू ब्रो आर फ्रेंड दिया है, मतलब सम ब्रो आर फ्रेंड दिया है, तो सम ब्रो आर फ्रेंड में ऑल भी हो सकता है, तो ऑल ब्रो बीइंग फ्रेंड इज अ पॉसिबिलिटी, ये दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर आ सकते हैं, तो दोनों ट्रू है, तो आंसर आ जाएगा बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोस। ठीक है, नेक्स्ट, नो अभी इज स्वाति, तो डायग्राम बना लेते हैं, नो अभी इज स्वाति, ओनली अ फ्यू मनाली इज विक्की, अगेन मनाली और विक्की अभी तक नहीं दिया हुआ है, तो फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड पे आ जाते हैं, पहले थर्ड वाला पढ़ लेते हैं, नो अभी इज विक्की, नो सॉरी ऑल अभी इज विक्की, ऑल अभी इज विक्की मतलब अभी के चारों ओर कौन आ जाएगा, विक्की आ जाएगा। फिर दिया हुआ है ओनली अ फ्यू मनाली इज विक्की, सिर्फ कुछ मनाली ही विक्की है, तो कुछ मनाली ही विक्की है, तो मनाली या तो ऐसे बन सकता है मनाली, या मनाली विक्की के चारों ओर बन सकता है, कुछ मनाली ही विक्की है, तो मनाली ऐसे विक्की के चारों ओर भी बन सकता है। किस किस को टच नहीं करना है, अभी को टच नहीं करना है स्वाति से, ये दोनों अलग रहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है नो अभी स्वाति, अब कंक्लूजन देखते हैं, सम मनाली इज स्वाति, अब मनाली स्वाति से टच हो सकती है, देखो मनाली और स्वाति में ऐसा एस को ऐसे बनाया जा सकता है, तो फर्स्ट वाला पॉसिबल है, बट ये डेफिनेट इज दिया हुआ है, मतलब डेफिनेट वाला केस है, तो अलग भी हो सकता है, तो डेफिनेट वाला केस है तो फॉल्स हो जाएगा। नो मनाली स्वाति, नो मनाली स्वाति अगेन ट्रू हो सकता है, बट स्वाति मनाली से टच भी हो सकती है, तो ये फॉल्स भी हो सकता है, अगेन डेफिनेट वाला केस है तो फॉल्स। ऑल मनाली बीइंग अभी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे मनाली अभी हो सकते हैं, मतलब हमको सोचना है मनाली अभी के अंदर आ सकता है क्या, मनाली को अगर अभी के अंदर बनाओगे तो मनाली विक्की के अंदर भी आ जाएगा, बट हमको दिया हुआ है ओनली अ फ्यू मनाली इज विक्की, मतलब मनाली विक्की के अंदर नहीं आ सकता, मनाली विक्की के बाहर रहेगा या ऐसे सम वाला केस रहेगा, तो मनाली अगर विक्की के अंदर नहीं आ सकता तो मनाली अभी के अंदर भी नहीं आ सकता, तो इसीलिए थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा।
अब तीनों फॉल्स हैं, बट यहाँ पे अगर आपको आपने सिलोजिज्म बेसिक्स किया हुआ है तो फर्स्ट और सेकंड में आइदर और वाला केस लगेगा, तो आंसर आएगा सी ऑप्शन, आइदर वन और टू फॉलोस। ठीक है, जहाँ पे भी नो और सम होता है, सेम वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे टाइप के केसेस में आइदर और वाली कंडीशन आती है। नेक्स्ट, सम स्कूल आर कॉलेज, सम स्कूल आर कॉलेज, ओनली अ फ्यू कॉलेज आर यूनिवर्सिटी, सिर्फ कुछ कॉलेज ही यूनिवर्सिटी हैं, तो सिर्फ कुछ कॉलेज ही यूनिवर्सिटी हैं, मतलब यूनिवर्सिटी या तो ऐसे बन सकता है या यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर आ सकता है, कुछ कॉलेज ही यूनिवर्सिटी हैं। नो यूनिवर्सिटीज ऑफिस, तो ऑफिस अलग से भी बन सकता है या इधर इससे भी टच हो सकता है, अभी अलग से बना लेते हैं, फिर कंक्लूजन के हिसाब से देखेंगे। पहला कंक्लूजन, ऑल कॉलेज बीइंग यूनिवर्सिटी इज अ पॉसिबिलिटी, अब अगेन यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर आएगा बट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ओनली अ फ्यू कॉलेजेस आर यूनिवर्सिटी, कुछ ही कॉलेज यूनिवर्सिटी है, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं हो सकते, तो सारे कॉलेज बीइंग यूनिवर्सिटी इज अ पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, गलत। सम कॉलेज आर नॉट ऑफिस, अब जैसे मैंने बताया था आर नॉट वाला केस का क्या करेंगे, उल्टा, सम कॉलेज आर नॉट ऑफिस दिया है तो इसका उल्टा हो जाएगा, ऑल कॉलेज मे बी ऑफिस या ऑल कॉलेज कैन बी ऑफिस, तो हमको सोचना है ऑफिस जो है वो कॉलेज के अंदर आ सकता है कि नहीं, तो ऑफिस को यूनिवर्सिटी से टच नहीं करना है, बट यूनिवर्सिटी से टच किए बिना ऑफिस को ऐसे तो बना सकते हैं कॉलेज के अंदर बिना यूनिवर्सिटी से टच किए। एक और अलग डायग्राम में बना के बता देता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहे तो, सम स्कूल्स आर कॉलेज, ओनली अ फ्यू कॉलेज आर यूनिवर्सिटी, ओनली अ फ्यू कॉलेज आर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऐसे बना सकते हैं, फिर नो यूनिवर्सिटीज ऑफिस, तो यो नो यूनिवर्सिटीज ऑफिस, तो ऑफिस को ऐसे कॉलेज के अंदर बनाया जा सकता है। अच्छा सॉरी, सम कॉलेज, ऑल कॉलेज कैन बी ऑफिस, सॉरी कॉलेज के चारों ओर ऑफिस आ सकता है कि नहीं वो देखना है, सॉरी इसमें उल्टा कर दिया मैं, कॉलेज के चारों ओर ऑफिस आ सकता है कि नहीं वो देखना है हमको, तो कॉलेज के चारों ओर ऑफिस आना पॉसिबल है क्या, बताओ मुझे एक बार, सोचो खुद से, कॉलेज के चारों ओर अगर आप ऑफिस को बनाने की कोशिश करोगे तो ऑफिस यूनिवर्सिटी से टच हो जाएगा, बट ऑफिस और यूनिवर्सिटी टच नहीं हो सकते, तो ऑल वाला केस फॉल्स हो जाएगा, तो आर नॉट वाला केस ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ऑल कॉलेज कैन बी ऑफिस, मतलब हमको सोचना है कॉलेज के बाहर ऑफिस आ सकता है कि नहीं, तो कॉलेज के बाहर आप देखो किसी भी डायग्राम में, अगर आप कॉलेज के बाहर ऑफिस को बनाने की कोशिश करोगे तो ऑफिस और यूनिवर्सिटी टच हो जाएंगे, बट यहाँ पे दिया हुआ है नो यूनिवर्सिटीज ऑफिस, मतलब ऑफिस और यूनिवर्सिटी टच नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ऑल वाला केस फॉल्स हो जाएगा, तो आर नॉट वाला केस ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाला ट्रू होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो दैट इज इट गाइज, ये जस्ट पांच एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, ओनली अ फ्यू को कैसे ड्रॉ करना है वो समझाने के लिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और टॉपिक्स में डाउट है, आप चाहते हैं कुछ और टॉपिक्स के डाउट्स हम लोग डिस्कस करें, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं LR से रिलेटेड आपके और भी जो डाउट्स होंगे डिफरेंट टॉपिक्स में वो मैं डिस्कस करूँगा और वीडियोस बनाऊँगा। ठीक है, सो प्लीज़ गिव मी द फीडबैक ऑफ दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।